आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ है कुछ एक कंक्लूजन को लेकर जाने के लिए कि हमको क्या करना है, हम लोगों ने क्या किया है, क्या हो रहा है, ये तो सब हमको पता है। हम आज अपना अपना समय निकाल कर यहाँ पर जो इकट्ठा हुआ है, ये हमारे आंदोलन की दिशा क्या होनी चाहिए ये तय करने के लिए इकट्ठा हुआ है। हम लोगों ने कौन से इसमें पार्ट लिया है, हम लोग कौन से स्टेज पे कितना देर बोलते हैं, ये अगर ये जितना भी हम लोग उखाड़ते रहेंगे ना उससे गंदी बाजी आएगी। हम लोगों को यहां से आगे हमारा आंदोलन कैसे चलाना है वो हम तय करने के लिए यहां पर इकट्ठा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा, मेरी फ्लाइट 6:45 को डिपार्ट होने वाली थी जो 10:45 को डिपार्ट हुई और इसलिए मैं लेट पहुंचा यहाँ पर, आपके सामने लेट आया। इसलिए मैं आज यहाँ पर वही मुद्दे रखूंगा जिससे हमको आंदोलन करने में थोड़ा बहुत हम लोगों को उसमें एक राइट डायरेक्शन मिलते जाए। देखिए इसी दिल्ली में वो अन्ना हजारे महाराष्ट्र से चलकर आया और यहां पर बैठा, क्या मांग थी उसकी? लोकपाल बिल। लोकपाल बिल ये खुद में एक असंवैधानिक मांग है, खुद में असंवैधानिक मांग है। वो क्या चाहता है कि ये इस देश की जो पिलर्स है, जैसा आपका मीडिया है, पार्लियामेंट है, आपका एग्जीक्यूटिव है, आपका न्यायालय है, इनके ऊपर और एक आदमी बिठाया जाए और वो इन चारों को कंट्रोल करे। बाबा साहब कहते हैं कि ये चारों इंडिपेंडेंट होंगे, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग के लिए पूरे देश भर में आंदोलन करता है, असंवैधानिक मांग के लिए यहां पर आकर बैठता है और लोगों को कन्विंस करता है। अगर वो असंवैधानिक मांग के लिए अगर लोगों को इकट्ठा कर सकता है तो क्या आप अपने अधिकारों के लिए लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते? इस देश के संविधान को बचाने के लिए इकट्ठा नहीं कर सकते? और हमारी मांग क्या होनी चाहिए ये सोचने के लिए, ये तय करने के लिए आज की कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल कीजिए। हमको क्या चाहिए? सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल अधिकार होने चाहिए, इसके लिए हम यहां पर इकट्ठा हुए। और इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या, देखिए मैं तो एक एक मुद्दे के ऊपर आपसे बात करना चाहूंगा। मैं 2014 से मैंने हम लोगों ने पहली बार मुझे तेजियान जी ने नागल में बुलाया, 30-35,000 लोगों की गैदरिंग थी और वहां पर हमने ईवीएम के बारे में पहला सवाल उठाया कि अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ईवीएम मशीन में पेपर ट्रेल लगना चाहिए तो हमको पेपर ट्रेल क्यों नहीं दिया जा रहा, ये बात हमने वहां पर रखी। लेकिन इस बात के ऊपर बात करने के बजाय मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं बाबा साहब का परपोता हूं कि नहीं, ये बात मीडिया में चल रही थी। इसलिए मैं आपको भी मेरा पहले तो रिलेशन बता देता हूं, फिर वहां बाद में जाके ये तो बाबा साहब के फैमिली से है नहीं। अरे मैं जो बात कह रहा हूं वो बात के ऊपर बात करो। अगर फैमिली ही ढूंढनी है तो बाबा साहब के नेफ्यू मुकुंदराव अंबेडकर वो मेरे दादाजी हैं और इन्हीं मुकुंदराव अंबेडकर जी को बाबा साहब अंबेडकर जी ने पंजाब में भेजा था, जाओ सिख धर्म की पढ़ाई करके आओ और हमको आके बात कराओ। मुकुंदराव अंबेडकर जी बाबा साहब के भले नेफ्यू हो लेकिन वो बच्चे से भी ज्यादा क्लोज थे, उनका मैं पोता हूं, बाबा साहब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर लगते हैं, तो इसी बात को नहीं नहीं वो तो सगे नहीं है। अरे मैं जो बात कह रहा हूं वो बात के ऊपर बात करो ना, वो बात के ऊपर बात नहीं हो रही। पेपर में मैं नाम नहीं लेना चाहता उस लीडर का, वो लीडर ये बात पे डाइवर्ट कर दिए लोगों को। ईवीएम मशीन का देखिए, मैं आज उस दिन मुरादाबाद से बस्ती गया, बस्ती से फिर मेरी सीजीएम के साथ मीटिंग हुई, लॉयर्स जजेस के साथ मैं मीटिंग कर रहा हूं। उनकी दिक्कत यह है, जजेस की दिक्कत यह है कि वो रास्तों के ऊपर आकर आंदोलन नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जानकारी दी है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसके अंतर्गत ये इलेक्शन कमीशन गवर्न होती है, इसके अंतर्गत ईवीएम मशीन लगती है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट हुआ 61A, ये अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 61A इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है, वोटिंग मशीन एट इलेक्शंस notwithstanding anything contained in this act or the rules made thereunder, the giving and recording of votes by voting machine in such manner as may be prescribed may be adopted in such constituency or constituencies as the election commission may have regard to circumstances each case may specify। iska matlab kya hai main batata hu,
पार्लियामेंट में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और पार्लियामेंट कहता है कि इलेक्शन कमीशन जिन जिन कॉन्स्टिट्यूशंस में जिन जिन कॉन्स्टिट्यूशन में जिन जिन पोलिंग बूथ में लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है सिर्फ उसी के ऊपर ईवीएम मशीन लगेगी, पूरे भारत में नहीं लगेगी, ऐसा पार्लियामेंट का डिबेट में कानून बना है। आप मुझे बताओ कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है या इलेक्शन कमीशन को है? तो पार्लियामेंट ने अगर कानून बनाया है कि आप ईवीएम मशीन पूरे भारत में नहीं, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर कमीशन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है वहीं पर लगेगी, पूरे भारत में लगा दी है, उन जजेस ने हमको कहा कि ये मुद्दा हमको पता नहीं था, हमने पार्लियामेंट्री डिबेट्स निकाले, सेक्शन 61 का अमेंडमेंट निकाला वो वहां पर डाला है, तो हमको ये मुद्दा होना चाहिए, हम क्या हमारे मांगे हमको तय करनी होंगी, आंदोलन करने जा रहे। देखिए बाबा साहब जब भी कोई भी आंदोलन किया करते थे पहले उनके मांगे तय हुआ करती थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही चले गए थे क्या? आपको रिजर्वेशन 1950 के बाद नहीं मिल रहा, इस देश का संविधान लागू होने के बाद आपको अधिकार नहीं मिले हैं, आज भी जो अधिकार आपको मिल रहा है बाबा साहब ने अंग्रेजों से लाए हुए 1932 के कॉमनल अवार्ड के अधिकार आज भी आपको मिल रहा है, रिजर्वेशन तभी बाबा साहब ने दिया हुआ है। तो हम लोगों को पहले तो हमारी बाबा साहब के नाम से आंदोलन कर रहे हैं तो कम से कम बाबा साहब की उस तरीके को अपनाना चाहिए। पहले हमको हमारी मांगे तय करनी होगी, पहले तो ईवीएम मशीन जब तक होगी तब तक आप लोगों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। और ये ईवीएम मशीन खुद पार्लियामेंट कह रही है, कोर्ट में कह रहे हैं कि ये ईवीएम मशीन वहीं पर लगेगी जहां पर लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन है। जर्मनी में उन्होंने कहा कि हमारे देश के लोग अभी इतने लिटरेट नहीं है जो ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करें। जर्मनी जैसा फॉरवर्ड देश कहता है कि हमारे लोग लिटरेट नहीं है और भारत में सभी इसमें हम क्या इतने लिटरेट है? तो ये पहला मुद्दा हमारा ये होना चाहिए ईवीएम मशीन के बारे में। और इन्होंने केवल ईवीएम मशीन का ही नहीं, संविधान के बारे में हम लोग जो देख रहे हैं कि संविधान को जलाया जाता है, इन्होंने केवल संविधान जलाया ही नहीं है, आप लोगों के पास मोबाइल है इंटरनेट पे आप विजिट करो www.samarthbharat.com, RSS बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट, गवर्नेंस कॉलम पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करते ही चौथे क्रमांक पर आएगा ड्राफ्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत, पूरा ड्राफ्ट तैयार है, पूरा ड्राफ्ट। आप क्या कह रहे हो कि संविधान हटाने वाले? उन्होंने तो नया संविधान बनाकर भी रखा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की अड़चन यह है, समस्या यह है कि बाबा साहब ने यह संविधान इस तरह से बनाकर रखा है कि पूरा बहुमत भी अगर आपका आ जाए ना तो भी आप संविधान नहीं हटा सकते। ये इस तरह का बाबा साहब ने पूरा संविधान डिजाइन किया है कि आप कितना भी कोशिश करो नहीं हटा सकते। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, काउंटर संविधान जितने भी आर्टिकल्स इस संविधान में हम लोगों को अधिकार देते हैं उसको पावरलेस करने के लिए, मैं तो आपने जो मुद्दा रखा मैं उसका समर्थन करूंगा, इस देश के संविधान को कमकुवत करने के लिए, कमजोर करने के लिए इन्होंने काउंटर आर्टिकल्स तैयार कर दिए हैं, काउंटर आर्टिकल्स, और वो लागू हो गए हैं, संसद में लागू हो गए, पार्लियामेंट से कानून बन रहा है। हमारे नजर केवल नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को क्या कह रहा है, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को क्या कह रहा है यही तक है, लेकिन पार्लियामेंट में रोज क्या बिल पास हो रहा है हम वहां पर नहीं देख रहे। हमको वहां पर देख रहा होगा, बिल वाइज हमको काम करना होगा। उन्होंने फाइनेंस बिल 2018 पास कर दिया, फॉरेस्ट बिल 2018 पास कर दिया, इस देश के जंगलों पर जिन आदिवासियों का हक हुआ करता था उनको हटा दिया, फाइनेंस बिल 2018 में FCRA एक्ट में 222 अमेंडमेंट कर दी है। हम लोगों का ध्यान वहां पर नहीं है। FCRA एक्ट कहता है कि इस देश में फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप ले सकते हो लेकिन पॉलिटिकल यूज के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। FCRA एक्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बाहर से फंड लेने के लिए मना करती है। इन्होंने 1971 से अमेंडमेंट कर दी और कहा कि अभी हम लोग ले सकते हैं। देखो अंदर बैठ के बाहर जो एक दूसरे को विरोध कर रहा है, यहाँ पर आपके आम आदमी पार्टी का आदमी नरेंद्र मोदी को विरोध करता है, केजरीवाल गांधी वहां पर मोदी को विरोध करता है, लेकिन अंदर बैठ के ये नेहरू है, इसमें मोदी ने दोनों के काम कर दिए। आम आदमी पार्टी के ऊपर केस है,
फॉरेन से पैसे लिए इसलिए उसके ऊपर केसेस है, गांधी ने कांग्रेस के ऊपर केस है क्योंकि उसने बाहर से पैसा राजनीति के लिए इस्तेमाल में लाया, बीजेपी के ऊपर भी केसेस है। एक ही अमेंडमेंट में 20 मार्च 2018 को ये कानून पास हुआ और तीनों को इसने बरी कर दिया, यानी अंदर बैठ के ये तीनों का काम कर रहा है, बाहर आकर तुमको पता था ये विरोधक है ये विरोधक है, लेकिन अंदर बैठकर वो तीनों का काम कर रहा है। हमको इसके ऊपर बात करनी चाहिए। फाइनेंस बिल 2018 पास हो गया, बजट में हमारा हिस्सा क्या होता है, बजट बन रहा है हमारा हिस्सा क्या, हमारे हिस्से में क्या आता है, आज भी हमारे जो फंड्स आते हैं वो कहां जाते हैं, हम लोगों को उसके ऊपर बात करनी होगी। हमारे एम्प्लॉयमेंट बंद हो गए, एजुकेशन बंद हो गए। कल ही न्यूज में आज सुबह ही हम लोग जब एयरपोर्ट पे बैठे थे वहां पे देख रहे थे, अभी इन्होंने जितने भी प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस है अपने अपने तौर पर जो फीस चाहिए वो लेने का उनको मान्यता दे दी है, जितनी भी फीस आपको चार्ज करनी आप कर लो। और जहां पर आपके बच्चे पढ़ते थे बीएमसी के स्कूलों में या गवर्नमेंट के स्कूलों में, वो स्कूल बंद कर रहे हैं, उन स्कूलों को डिमोलिश करके रायन इंटरनेशनल, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इनको दे रहे हैं। नरेंद्र हमको क्या, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमको क्या मांगे रखनी चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी कहते हैं और वो कर भी रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होनी चाहिए। जब लोकसभा लगेगी अक्टूबर में हमारे यहां पर महाराष्ट्र का सरकार खत्म होने वाला है, लेकिन वो अक्टूबर से पहले ही खत्म करने की कोशिश करेंगे और लोकसभा और विधानसभा एक ही साथ करेंगे, और ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में वो करने की योजना बना रहा है। क्या नारा दिया है, वन नेशन वन इलेक्शन, कि सारी इलेक्शंस एक ही टाइम में एक ही वक्त में हम लोग कर लें। और जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात नरेंद्र मोदी करते हैं तो हमको भी कानून बना के उसके लिए मांग करनी होगी। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो तो इस देश में ड्यूअल एजुकेशन पॉलिसी क्यों लागू करते हो, एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के लिए अलग से स्कूल, और जो सवर्णों के और जो पैसे अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए रायन इंटरनेशनल, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। हमारे बच्चे उन स्कूलों के दरवाजे तक पैर नहीं रख सकते, तो हमको भी ये मांग करनी होगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन जरूर होना चाहिए। समान शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा, जो शिक्षा आपके राष्ट्रपति के बच्चे को मिल रही है, प्रधानमंत्री के बच्चे को मिल रही है, वही हमारे एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को मिले। आपके बच्चों को इतना नीचे गिरा के मेरिट की बात करते हो, कहां से निर्माण होगा मेरिट। आप जाओ कभी स्कूलों में, मैं जाता हूं गली गली में घूमता हूं, और वहां पे जो शिक्षा का स्तर है हमारे बच्चों को, आज भी 5 का 12 10वीं के इंग्लिश बोलना नहीं आता, कहां से वो कम्पीट करेंगे। हमारे बच्चों को इस तरह से वो लोग पूरे रेस में से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पहला ये मुद्दा है। दूसरा संविधान को लेकर हमको ये मुद्दा करना है, ईवीएम को लेकर ये मुद्दा है, रिजर्वेशन प्रमोशन हर एक स्टेट में हट रहा है। अभी हमारे महाराष्ट्र में 154 पुलिस ऑफिसर्स को डिमोट करके उनको बेइज्जत करके फिर से निकाल दिया गया, ये हर एक स्टेट में अभी शुरू हो रहा। रिजर्वेशन प्रमोशन का मुद्दा है, रिजर्वेशन लागू है सरकारी नौकरियों में, सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही बंद हो रही है तो रिजर्वेशन जीरो हो गया, सरकारी नौकरियां ही बंद हो गई है तो रिजर्वेशन जीरो हो गया। तो रिजर्वेशन कागज पे है, इंप्लीमेंट कहां हो रहा है, तो हमको इंप्लीमेंट में क्या लाना चाहिए, इसके ऊपर हमको यहां पर बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करना होगा, इसके ऊपर हमको बात करनी होगी। और अगर आप कहते हो कि आप लोगों ने कितने आंदोलन किए, कितने रोड पे गए हो, मेरे ऊपर 395 सेक्शन लगा हुआ है, आपको पता है 395, अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं कहता हूं डकैती, और डकैती कहां पर, पुलिस स्टेशन के ऊपर, पुलिस स्टेशन के ऊपर डकैती, वो केस मेरी चल रही है। इतने सेक्शंस हम लोग लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं, अगर आज इतनी भयानक परिस्थिति है, आंदोलन भी करते हैं तो कोई ना कोई तो झूठे केस में फंसा रहा है, फिर भी हम लोग नहीं डर रहे, क्योंकि ये आखिरी मौका हमारे पास है, ये आखिरी चांस है हमारे पास, शायद 2019 के बाद ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस भी आप कर नहीं पाओ, 500 लोग भी आप इकट्ठा नहीं हो पाओ, इस तरह की ये कानून इस देश में लागू कर दिए जाएंगे, ये अंतिम मौका है। संविधान हम लोगों को अधिकार देता है और इसलिए ये संविधान हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे पता है इस देश की पूरी व्यवस्था आरएसएस के कब्जे में चली गई। आप देख रहे हो दिल्ली में सीबीआई वर्सेस सीबीआई चल रहा है,
सीबीआई जैसी यंत्रणा वो बिक चुकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिक चुका है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गोगोई, जस्टिस लोकुर, जस्टिस चिलामेश्वर बाहर आके रोके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। किससे उम्मीद कर रहे हो आप लोग, किससे उम्मीद करने वाले हो? मैं तो कहता हूं मैं पूरे भारत में आंदोलन कर रहा हूं, पूरे भारत के लोगों को मैं इकट्ठा कर रहा हूं, पूरे भारत के लोगों को मैं ये बता रहा हूं कि इस तरह के कानून बना रहा है, हम लोगों को अधिकार विहीन कर रहा है और सभी लोगों को मैं एक साल से 26 नवंबर को हमारी यहां पर रैली हुई थी हरिद्वार में, वहां पर हम लोगों ने ये कसम खाकर हम लोग गए थे कि एक साल भर हम लोग इस प्रोग्राम को करेंगे और पूरे भारत में एक साल से मैं फील्ड वर्क कर रहा हूं पूरे भारत में। कल मैं नागपुर के भी आगे जंगल एरिया में वहां पर कम से कम 5 से 8 हजार लोग होंगे, छोटे छोटे गांव में मैं वहां पर लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं। क्या बता रहा हूं कि 26 नवंबर को दिल्ली में आ रहा है, क्यों आना है? हमारे हक और अधिकार के लिए वहां पर आना है और तब तक ये दिल्ली नहीं छोड़नी है जब तक हमारे मांगों को ये पूरा नहीं करते, तब तक हमें इस दिल्ली को नहीं छोड़े। अगर एक अन्ना हजारे अपने असंवैधानिक मांग को लेकर बैठ सकता है तो क्या हम अपने मांगों के लिए, हक और अधिकार के लिए आ नहीं सकते? हमको अभी खुद के इंडिविजुअल बेनिफिट्स, ईगोस को बाजू में रख के ये काम करना होगा। संविधान बचेगा तब तो आप लोग कुर्सी, आप लोग मेरे को वहां बिठाया यहां बिठाया, मैं तो कहता हूं हमारे लोगों को जमीन के ऊपर बैठने का अधिकार नहीं दे रहे, हम कुर्सी के लिए झगड़ रहे हैं, जमीन के ऊपर बैठने का अधिकार नहीं मिलता। मैं जाता हूं आंध्रा, जाता हूं कर्नाटका, जा रहा हूं वहां पे लोगों की आज भी उनको मारा जा रहा है, गला काटा जा रहा है। सवर्णों की लड़की से शादी कर दी तो वहां पर आंध्रा में इंजीनियर को मार डाला। आपको जमीन पे बैठने का अधिकार नहीं मिल रहा, हमारी लड़ाई कुर्सी के लिए है। जिस समाज का नेतृत्व हम कर रहे हैं वो समाज का हम लोगों को बात करनी है और हम लोग इन चीजों के लिए लड़ रहे हैं। मैं तो कहता हूं देखिए, और एक मैं इसमें आप लोगों को, ये भले ही मेरी बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं तो चाहता हूं कोई भी हमारे ऊपर, भले वो एट्रोसिटी एक्ट हटाया जाने की घटना हो या रिजर्वेशन इन प्रमोशन हटाए जाने की घटना हो या कोई भी घटना, हम लोग रास्तों पे आ रहे हैं। महाराष्ट्र में हम लोगों ने 3 जनवरी को महाराष्ट्र बंद किया, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग रास्तों के ऊपर थे। जब आंदोलन बंद हुआ, महाराष्ट्र बंद का डिक्लेरेशन पीछे ले लिया गया, घर जा रहे बच्चों को पकड़ पकड़ के उनके ऊपर केसेस डाले, 28,000 बच्चों के ऊपर महाराष्ट्र में केसेस, 28,000। और ऐसे ऐसे बच्चे जो यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी कर रहे थे, एक बच्ची जो कल्याण थाने जिला में कल्याण है, वो पुलिस डर कर, कोई वहां पर जो लोग तलवार लेकर घूम रहे थे वो डर कर पुलिस स्टेशन में गई, उसी के ऊपर केस डाल दिया। जो आने वाले दिनों में यूपीएससी एमपीएससी की एग्जाम दे रही थी वो उसको जेल में डाल दिया, उस बच्ची ने कभी पुलिस स्टेशन नहीं देखा होगा, उसको जेल में डाल दिया। वो कहती है कि अब बाहर आके मैं आत्महत्या करूंगी। ये हो रहा है हमारे साथ। हमको जो ऊपर ऊपर का जो चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये सही चित्र मीडिया तो हमारा है ही नहीं, तो क्या दिखाएगी वो हमको? गली गली में जाकर देखो क्या चल रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कोई भी हमारे ऊपर आंदोलन हो, कोई भी बात आती है, हम लोग आंदोलन करते हैं, राष्ट्रों के ऊपर आते हैं और हमारे ऊपर केसेस हो रही है, हमारे बच्चों को मारा जाता है, गोली चलाई जाती है, हमारे लोग मर रहे हैं, केसेस हो रहे हैं, रासुका लगती है, मैं तो कहूंगा शेड्यूल कास्ट के ऊपर हो या शेड्यूल ट्राइब के ऊपर हो, कोई भी अगर गलत कदम या गलत कुछ होता है तो जितने भी शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए और एमपी, इनके घरों को क्यों नहीं हम लोग घेर दे? हमारे ओर से ये संसद में गया है, हमारी बात रखने के लिए विधानसभा में हमने भेजा है, तो वहां पर वो बात करने के बजाय वो उन पार्टियों की दलाली कर रहा है। हमने 5 साल के लिए इसको चुना है कि हमारी बात ये करेगा, लेकिन ये हमारी बात ही नहीं कर रहा, वहां पर मुंह ही नहीं खोल रहा। और फिर कितने देर तक हमारे बच्चों के ऊपर रासुका लगाएंगे हम लोग, कितनी देर तक हमारे बच्चों के ऊपर कोर्ट में उनको फेरी लगाएंगे हम लोग? इसलिए इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर, इन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो एससी के रिजर्वेशन से चुनकर जा रहा है, इनके ऊपर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होनी चाहिए और वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी समाज की होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी भटकता है ये समाज उसको पकड़ के कटघरे में खड़ा करेगा। ये मुद्दे लेकर हमको
ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन लेके हमको क्या चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, एक बाय एक मुद्दा हमको लगाना होगा। राइट टू एजुकेशन, जो इन लोगों ने एजुकेशन हमारा हटा दिया है, ये कानून बना दिया है, एफसीआरए बिल हो, फॉरेस्ट बिल हो, इसको लेकर हमको क्या क्या करना चाहिए, ये तय करने के लिए हम लोग बैठे हैं। और इसके ऊपर हमको बात करनी चाहिए, इसके ऊपर हमको कंक्लूजन निकालना चाहिए कि हमारी मांगे क्या है। बाबा साहब जब भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाते थे, ब्रिटिशरों के सामने प्रस्ताव रखते थे, तो उनकी मांगे वो पहले कंफर्म करते थे, हमको मांगना क्या है, हमारी मांगे क्या है। हम आंदोलन तो कर रहे हैं महाराष्ट्र का, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। हम वो लोग रास्तों के ऊपर बैठे थे, उनको पूछा आपकी मांगे क्या रखी है आपने, नहीं हमको पता नहीं, ऊपर से आदेश आया हम बैठ गए। ये पूरे भारत में है, हम लोग भारत बंद कर रहे हैं, मांग क्या है। हमको तो पहले हमारी मांगों को तय करना होगा कि हमको, हम इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। आज भी देखिए बीजेपी का आरएसएस का संविधान तैयार हुआ और ये लोग देशद्रोह का सर्टिफिकेट, देशभक्ति का सर्टिफिकेट लोगों को बांटते हैं। मैं आपको पूछता हूं, आप लोग यहां पर एडवोकेट्स भी बैठे हैं, क्या एक संविधान इस देश में लागू होने के बावजूद दूसरा संविधान तैयार करना देशद्रोह नहीं है? देशद्रोह नहीं है तो क्या आरएसएस को, बीजेपी को देशद्रोह के कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहते? ये करना चाहिए। आपको पता है मैं महाराष्ट्र से चल के आपके सुप्रीम कोर्ट में गया, एट्रोसिटी एक्ट जब हटाया गया और पूरे भारत बंद में इसके ऊपर निदर्शन हुए, पूरा भारत बंद कर दिया गया, तब इन्होंने फिर से इसमें अमेंडमेंट कर दिए और फिर से इसको पावर दे दी राज्यसभा ने। इतना आपको पता है, न्यूज चैनल में आप लोगों ने पढ़ा कि एट्रोसिटी एक्ट फिर से जैसा था वैसा हो गया। लेकिन आपको क्या यह पता है, राजनाथ सिंह के भतीजे ने इसी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और उसके ऊपर नोटिस इशू हो गई है। क्या आपको पता है, दो वकीलों ने किया, हाँ सबको, प्रज्ञा शर्मा और पृथ्वीराज चौहान, हाँ दो है, पृथ्वीराज चौहान जिसमें से प्रज्ञा शर्मा जूनियर है, ये जो सुप्रीम कोर्ट में क्या है वो गोरखेला की जूनियर है। हाँ। तो इसके ऊपर हमको इंटरवेंशन एप्लीकेशन करना होगा, इंटरवेंशन हो रहा है, हो चुका है, तो ये इंटरवेंशन हो करना होगा। और एक बार अगर इंटरवेंशन हो गया, मेरी वकीलों की टीम है वो तो कहते कि इंटरवेंशन कराओ, आप एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट हटाने की बात करते हो, हम प्रेजेंट करेंगे कि जिस ओरिजिनल स्वरूप में ये बना था वही लागू नहीं हुआ है अभी तक, इसमें स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन है, कहीं पर भी भारत में स्पेशल कोर्ट नहीं है, कहीं पर स्पेशल, ये कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पे हम चलाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट का कहीं पर भी जिक्र एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में नहीं है। इन कैमरा स्टेटमेंट्स, उसके लिए इन्होंने हर कोर्ट में एक स्पेशल जज बना रखा, स्पेशल, लेकिन ये स्पेशल कोर्ट वही है, उसी को स्पेशल कोर्ट कह बोलते हैं, एक जज अपॉइंट किया हुआ है जिसके यहाँ वही डील होता है, सिक्स मंथ्स में उसमें होता कुछ नहीं है, किसी पास तक सजा नहीं हुई है, जो कंप्लेंट होती है वो भी नहीं जानते कंप्लेंट कैसी होती है, तो वो कुछ हुआ नहीं उसमें, वही हम कह रहे हैं कि ओरिजिनल जो प्रारूप बना है, ओरिजिनल ड्राफ्ट है, वही लागू नहीं है और आप ये हटाने की मांग कर रहे हैं। तो ये हम लोगों को तय करना होगा कि हम लोगों की मांगे क्या है, किस तरह से हमको आंदोलन करना है, ये आंदोलन की वजह क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तय करने के लिए हमको आज का ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करना होगा, ये तय करने के लिए इसके ऊपर आपको इनपुट देने होंगे कि हमको, हम देखिए आप लोग तो इंटेलेक्चुअल्स हो, लेकिन जो वर्ग आने वाला है उनको नहीं पता ये क्या करने वाला है, उन्होंने बोल, हमने बोल दिया वो हमारा साथ देने आ जाएंगे, ये उनका, उनके साथ धोखेबाजी होगी, अगर हमने कोई गलत मांगे रख दी या कोई हमारा आंदोलन कहीं बेच दिया तो ये उनके साथ धोखेबाजी होगी, वो आपके ऊपर विश्वास करता है, आज भी समाज आपके ऊपर विश्वास करने को तैयार है, वो आपके साथ आने को तैयार है, लेकिन उसको प्रॉपर दिशा दिखाने वाले लोग होने चाहिए। और आप लोग सारे इंटेलेक्चुअल्स हो, वकील हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, तो इन लोगों ने देखिए बाबा साहब उस समय कहते थे कि पढ़े लिखे लोगों ने ये मूवमेंट चलानी चाहिए, क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री के ऑफिसर्स ने मूवमेंट चलानी चाहिए, आज क्लास टू क्लास वन टू थ्री के ऑफिसर्स इस मूवमेंट को चलाने के बजाय जिनकी कैपेसिटी, जिनकी औकात क्लास फोर की भी नहीं है ना, वो इस मूवमेंट को चला रहे हैं और फिर वो बीजेपी या कांग्रेस में लेके जाते हैं, वो लोग आगे आते हैं, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है और जो इंटेलेक्चुअल हो उसको मेनस्ट्रीम से बाहर रखा जा रहा है।
और इसलिए हमको, मैं ये कोई वाइंड अप सेशन नहीं है, मैं कोई अध्यक्ष भाषण वगैरह नहीं कर रहा हूँ, हाँ इसके बाद भी ये चलेगा। मैं यही चाह रहा था कि ये आज जो आप लोग अलग अलग स्टेट से हो, अलग अलग प्रांत से आए हो, ये प्रॉपर वे पे इसका डिस्कशन चलना चाहिए। नहीं तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, हमने क्या किया है ये अभी बाजू में रखो, और हमको क्या करना है इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करो। क्या करना है ये पहले तय करो, कैसे करना है ये तय करो। जनता आज भी, समाज आज भी आपको साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको सोचना है कि किस तरह से चलना है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आगे का सेशन हम लोग इसी विचार पे चले कि हमको इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली क्या क्या हमारी डिमांड्स होनी चाहिए। बजट में हमारा बजट आता है, कहा जाता है, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। हमारे बच्चों के एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपको पता नहीं होगा, हमारे महाराष्ट्र में जब बाबा साहब की 124th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, हर एक को 2 acres ऑफ MIDC इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की लैंड दे रखी थी, ये GR किसी को नहीं बताया गया। हर एक को 125 करोड़ रुपीस साइड में रखे गए थे ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए, किसी को इस GR के बारे में बताया नहीं गया। और वो सारा फंड जब हम गए, वो बोलते हमने दूसरे इस पे यूटिलाइज कर दिया। हमको हमारे फंड्स के बारे में पता होना चाहिए, हमारे योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए, उसके ऊपर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी, क्योंकि सरकार के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। जहां पर राष्ट्रपति कोविड को धक्के मार के बाहर निकालते हैं, आप किसके ऊपर भरोसा करोगे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तरह से ये आज की जो कॉन्फ्रेंस है, इस विचार के ऊपर हम लोग आगे निकल जाए, और यहां से हमें कंक्लूसिव एक विचार लेकर हम लोग बाहर पड़े कि हम इसके लिए काम करेंगे। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप आगे का जो सेशन है, इस मोमेंट पे, इस लाइन ऑफ थिंकिंग पे, लाइन ऑफ एक्शन पे आप लोग काम, आप लोग सुझाव देंगे। यही मैं थोड़ा इंटरप्ट करके आप लोगों से बात करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत लोग आपस में ही लगे पड़े थे, मैं हूँ। अभी फिलहाल ईगो थोड़ा बाजू में रखो, ईगो बाजू में रखो, और जो हमारे मेन जो बातें हैं, मेन जो मोमेंट के लिए जो क्राइटेरिया है, वो हमको तय करना है। यही मैं कहने के लिए खड़ा हुआ था, आप लोगों ने सुना, उसके लिए धन्यवाद।